हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो सबसे पहले आई होप आप सब लोग हेल्दी होंगे और अच्छे होंगे। और सेकेंडली द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो अपकमिंग वीक होगा उसमें चैनल पे बहुत सारी वीडियोस आएंगी। पूरे वीक चैनल पे वीडियोस अपलोड होंगी। न्यू न्यू वेबसाइट डिज़ाइन बनाएंगे हम अच्छे अच्छे और डिटेल्ड और हिंदी में अच्छी वीडियो होंगी। और इफ़ यू गाइज वॉन्ट मी टू यू नो मेक द वीडियोज इन इंग्लिश, सो आई विल ऑल्सो डू दैट। So what do you guys prefer more, videos in English or in Hindi? Just comment on the video. Okay, so जो आज का टॉपिक है वो है how to link your CSS with your HTML। ये हम कैसे अपनी वीडियो को जो अपनी CSS है वो HTML से लिंक करेंगे, ठीक है? So without wasting any time, let's get started. So सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक फाइल बनाई है index.html के नाम से। अब यहाँ पर मैं बॉयलर प्लेट लगा लूँगा HTML की, एक्सक्लेमेशन साइन देन प्रेस एंटर, ठीक है? और अगर आप चैनल पे न्यू हो, आपको नहीं पता कि बॉयलर प्लेट क्या होती है और आप कैसे HTML यूज़ करते हैं, CSS में कैसे डिज़ाइन बनाते हैं, तो चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं डिटेल में, आप उन्हें जाके देखिए, आपको अच्छे से सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सो सबसे पहले CSS के तीन टाइप्स है और हम तीन तरीकों से अपने CSS को लिंक कर सकते हैं HTML में। तो जो पहला टाइप है उसका नाम है इनलाइन CSS। सो आपको लाइन उससे ही नाम से ही पता लग रहा हो, इनलाइन लाइन के अंदर, इनलाइन, ठीक है? सो फिलहाल मैं सबसे पहले आपको कुछ लिख देता हूँ, H1 टैग में लिख देता हूँ, क्या लिखू, आई लव कोडिंग, ठीक है? सेव करता हूँ, यहाँ पर गो लाइव करके अपना लाइव सर्वर ओपन करता हूँ। तो अभी कुछ ऐसा कोई इसमें कुछ खास नहीं हुआ, हमने सिंपल लिखा है कोडिंग को, यहाँ पर लिखा आ गया। अब हम अपनी CSS को लिंक करेंगे HTML से। फर्स्ट टाइप है इनलाइन CSS, विच मींस लाइन के अंदर ही। तो हमें H1 में आई लव कोडिंग लिखना है और जो H1 के अंदर लिखा है हम उसका कलर चेंज करना है, ठीक है? तो हम H1 के अंदर ही जैसे कि इनलाइन ही स्टाइल टैग का यूज करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कलर, कलर में इसका कर देता हूँ ब्लू वायलेट, ठीक है? अब देखते हैं, ठीक है? यहाँ पर जो हमने H1 में लिखा था आई लव कोडिंग वो हो गया ब्लू वायलेट। सो ऐसे हम इसमें कर सकते हैं। ये था पहला टाइप, इसका नाम इनलाइन लाइन के। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जो सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप से पहले मैं आपको बता दूं, आप सोच रहे होंगे यार ये तो इजी है, यहीं पे हमने लिखा, यहीं पे कलर चेंज हो गया, ना हमें अलग से फाइल बनानी पड़ी CSS। तो मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल भी अच्छा प्रैक्टिस नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है अपनी CSS को, इनलाइन CSS को यूज़ करने का। वो इसलिए क्योंकि अभी तो यहाँ पर हमने सिर्फ H1 टैग लगाया है, P लगा देंगे, एक दो टैग और लगा देंगे तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। पर जैसे ही आप कोई फॉर्म बनाएंगे, वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे, उसमें बहुत सारे थाउजेंड ऑफ कोड होंगे, तो आप अपने ही कोड में कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि ये मेरी HTML कहाँ है, CSS कहाँ है। तो वो एक तरीके से बहुत मिक्सअप हो जाएगा, बहुत कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। सो हमें ये तरीका यूज़ नहीं करना है, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि आपको पता हो कि हम CSS ऐसे भी लिंक कर सकते हैं, ठीक है? सो जो दूसरा टाइप है वो है इंटरनल ESS, ठीक है? इंटरनल CSS, विच मीन्स CSS के हम जो HTML है उसके अंदर इंटरनली लिंक करेंगे अपनी CSS, ठीक है? सो बॉडी के अंदर अगर हमें इंटरनली लिंक करना है, सो CSS यूज करने के लिए हम स्टाइल टैग यूज करें, ठीक है? तो जो भी काम होगा वो इस स्टाइल टैग के अंदर होगा। सपोज ये H1 का कलर यहाँ पे ब्लू वायलेट है, तो हमें H1 का कलर चेंज करना है, देन ब्रैकेट, और H1 का कलर क्या करना है, पहले मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ, तो BGC बैकग्राउंड कलर, सॉरी, सो बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर कर देता हूँ, लेट्स से चॉकलेट, आई थिंक दैट वुड बी ओके। सो सेव किया, देखिए ये आई लव कोडिंग और ये बैकग्राउंड कलर होगा चॉकलेट। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि हमने यहाँ पर कलर किया ब्लू वायलेट, और अगर हम इंटरनली भी यूज करें, यहाँ भी अगर हम कलर दे दें, वो सपोज मैंने यहाँ पर कलर दिया क्रिम्सन, कोई भी देते हैं, डार्क ग्रीन दे देते हैं। सो डार्क ग्रीन कलर शो हो गया ब्लू वायलेट, देखते हैं।
आप देख रहे हैं सेव करने के बाद भी कलर चेंज ही नहीं हुआ, जो हमने इनलाइन सीएसएस में ब्लू वॉलेट लिखा था ये वो ही है। अब मैं इसका रीज़न बताता हूँ क्यों। सीएसएस की एक पॉलिसी है, जो भी हम पहले कलर लिखेंगे, जो भी हम पहले लिखेंगे वही काउंट होगा। वो आपने कहावत सुनी है ना कि व्हाट कम्स फर्स्ट सर्व्स फर्स्ट, सो जो सबसे पहला है वही काउंट होगा, इसलिए इसमें कलर डार्क ग्रीन नहीं हुआ। और अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँ, सेव करता हूँ, तो अब कलर हो जाएगा डार्क ग्रीन। ठीक है, ये हो गया डार्क ग्रीन। सो हम ऐसे ही स्टाइल के अंदर और भी काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, कलर बॉर्डर और फ्लैक्स बॉक्स, बहुत सारी चीज़ हैं, होल बंच ऑफ थिंग्स है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। सो क्या ये यूज़ करना ठीक है, क्या हम इसमें ऐसे सीएसएस कर सकते हैं? डेफिनेटली यस, आप कर सकते हैं, बट फिर भी आपकी चीज़ें इतनी ऑर्गेनाइज नहीं रहेंगी जितने की जो एक्सटर्नल सी एस एस है, जो थर्ड टाइप है उसमें रहेंगे। उसका रीज़न अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो गाइस, जो सी एस एस का थर्ड टाइप है, जो सबसे अच्छा और इफेक्टिव टाइप है सी एस एस का लिंक करने का, जिसमें हम सी एस एस अलग से सेपरेट एक अलग फाइल बनाएंगे, उसका नाम है एक्सटर्नल सी एस एस। नाम से आपको पता लग रहा होगा, अलग, एक्सटर्नल मतलब बाहर। तो हम अलग से सी एस एस की फाइल क्रिएट करेंगे और जो भी हमारी सी एस एस है वो हम उसमें लिखेंगे। ये सबसे इफेक्टिव वे है, जो प्रोग्रामर्स हैं, बड़े बड़े डिज़ाइनर डेवलपर जो यूज़ करते हैं वो यही टाइप है, और यही एक इफेक्टिव और अच्छा एफिशिएंट टाइप है। ठीक है, सो इसमें हमें अलग से यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे, कोई भी अपना आप नाम दे सकते हैं, मैं दे देता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस। रिमेंबर डॉट सी एस एस जरूर लिखेंगे, ये सी एस एस का एक्सटेंशन है। ठीक है, अब ये अलग से हो हमारी सी एस एस की फाइल, तो हमें अब जो भी हमें कोड लिखने हैं पूरी अपने एच टी एम एल के, वो हम अलग से फाइल में लिखेंगे। ये बहुत इफेक्टिव है, आपका एच टी एम एल अलग लिखा गया है और स्टाइल सी एस एस के अलग से कोड लिखे गए। ठीक है, सो हमें करना क्या था, अभी आई लव कोडिंग सिंपल लिखा हुआ है, अब हमें अपने ये देख रहे हैं एच वन में कलर देने हैं, तो अलग से सिर्फ यहाँ सिंपल एच वन लिखा, ब्रैकेट लगाया, कलर कौन सा कलर देना है, लेट्स से ब्लैक ऑलरेडी है, ब्राउन। सेव करते हैं, अब देखते हैं क्या होगा, यहाँ पर ब्राउन कलर हो गया। अब मुझे इसमें सपोज यहाँ पर मुझे इसमें बैकग्राउंड कलर देना है, बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर दे देता हूँ एक्वा, ऐसे ही अपनी चॉइस आप कोई भी दे सकते हैं। बैकग्राउंड कलर अलग से हो गया। और भी सीएसएस की बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, व्हेन इट कम्स टू सीएसएस देयर आर होल बंच ऑफ थिंग्स। सो ये आपको सिर्फ मैंने बताया, इसमें कोई हमने एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखा, बहुत सिंपल से कि CSS की तीन टाइप हैं, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। इनलाइन मींस लाइन के अंदर ही, जहाँ भी हम कोड लिखेंगे साथ साथ उसी लाइन में हम अपनी CSS लिखेंगे। जो इंटरनल है उसमें हम इंटरनली कोड लिखेंगे, अलग से यहाँ पर बॉडी के अंदर स्टाइल टैग बनाएंगे, उसके अंदर अपनी CSS लिखेंगे। और जो लास्ट वन है, जो सबसे इफेक्टिव है, जो सब यूज़ करते हैं, वो एक्सटर्नल CSS। इसमें हम अलग से अपनी CSS की फाइल बनाएंगे और पूरी CSS एक सेपरेट फाइल में लिखेंगे। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अब जो अपकमिंग वीक होगा उसमें बहुत सारी वीडियोज आएंगी। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द चैनल। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।